जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान में कर्नल और मेजर समेत भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। कश्मीर घाटी के हंदवाड़ा में चल रही इस मुठभेड़ में सेना द्वारा 2 आतंकी मार गिराए जाने की खबर है, जबकि कर्नल मेजर समेत सेना के 5 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान की भी आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद होने की खबर है। आतंकियों से हुई इस मुठभेड़ में बुलंदशहर का एक लाल भी शहीद हुआ है। बुलंदशहर के मूल निवासी कर्नल आशुतोष शर्मा ने इस मुठभेड़ में देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। शहीद आशुतोष बुलंदशहर के इलना परवाना गांव के मूल निवासी हैं, जबकि फिलहाल शहीद का परिवार राजस्थान के जयपुर में शिफ्ट है। शहीद कर्नल ने बुलंदशहर नगर में स्थित डीएवी इंटर कॉलेज से ही इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी की थी। मैं शहीद आशुतोष शर्मा जी का छोटा भाई हूँ, उनके चाचा जी का बेटा हूँ। हमें सूचना मिली है कि हमारा बड़ा भाई इस देश के लिए शहीद हो गया और हमें फक्र है इस चीज़ का। हमारी भी जान और सैकड़ों जान इस देश के लिए चली जाए तो हम फक्र के साथ देना चाहते हैं। और बड़ा जाबाज था हमारा बड़ा भाई और हमें मतलब देश के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित करते थे सेना में जाने के लिए। खुद उनमें बहुत जज्बा था देश के लिए कुछ करने का और आज वो दिन आ भी गया। उन अंतिम संस्कार उनका पैतृक गांव हमारा परवाना है, वही कराने के लिए वो है, इसीलिए हम जयपुर जा रहे हैं। जयपुर 10 साल से रह रहे थे, बाकी हम सोल सब हमारा परिवार है, भरापूरा मेरा छोटा भाई ये भी है, हम सभी गाँव में रहते हैं और गाँव में ही उनका दाह संस्कार कराने की बात है। ठीक है, शहीद के भाई ने बताया कि उनके बड़े भाई एक जांबाज इंसान थे और वो हमेशा देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखते थे। शहीद के भाई के मुताबिक शहीद कर्नल परिवार में जन्मे सभी बेटों को आर्मी ज्वाइन कराना चाहते थे और शहीद अपने सभी भाइयों को हमेशा वीर जवानों के बलिदानों के किस्से सुनाया करते थे। शहीद के भाई ने बताया कि कर्नल आशुतोष को बहादुरी के लिए पहले 2 बार मेडल से नवाजा भी जा चुका है। शहीद का परिवार चाहता है कि शहीद के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया जाए और यहीं शहीद को अंतिम विदाई दी जाए, जिसके लिए परिवार के कुछ लोग जयपुर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। वहीं कर्नल की शहादत की खबर से शहीद के गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।